हमें विशेष सूत्रों से पता चला है कि ये जो टीम है नाम परिवर्तन करने में भी यही वजह है, और लगातार तेरह बार हारने के बाद 14 बार में प्रथम चक्र को पार करने में सफल हुई थी एलिसिया की टीम। और इस बार हमारी पूरी युवक संघ की शुभकामनाएं उनके साथ है, इस बार भी उनकी टीम बहुत आगे तक जाए। टिकैत जी जिक्र किए अपने भाई, जिस प्रकार से टीम 13 वर्ष फर्स्ट राउंड क्वालिफाई सेकेंड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम चाहेंगे इस साल सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर जाए। और एफएम रेडियो की बात की जाए तो काफी सुंदर टीम से सुसज्जित टीम है, कैप्टन सुभाष पीयू जैसे खिलाड़ी खेलता हुआ एफएम रेडियो की ओर से, और बाकी एक सीधा गोल पोस्ट के निशाना साधता हुआ टीम है कोलंबस एलिसिया। लेकिन जब तक गेंद अपने खिलाड़ी तक पहुंचते उनसे पहले गेंद क्लियर करता हुआ, और एक बीच से शुरू हुआ करीबन यहाँ पर 2 मिनट के अंतराल में पता चल रहा है कोलंबस की अटैकिंग खेलेंगे और अटैक के साथ स्कोर करने की सोच के साथ खेलता हुआ टीम है। तो देखते हैं उनकी अटैकिंग कितनी देरी तक काम आई, कब वो चमत्कार स्कोर देखने को मिलेगा। नितिन जी ना चाहेंगे पटिका जी, कोलंबस जो अमेरिका की खोज किया था लेकिन आज जल्दिया के मैदान में कोलंबस ग्रुप की टीम क्या गुल खिलाती है। लेकिन यहाँ पर रेडियो मिर्ची को भी देखना होगा, एफएम रेडियो को, क्योंकि किस तरह की मनोरंजन कराते हैं दर्शकों को। और मनोरंजन तब आएगा जब टीम एफएम रेडियो स्कोर कर जाएगी। कोलंबस की खोज हुई थी लेकिन यहाँ पर कोलंबस एलिसिया को स्कोर के जरिए यहाँ पर खोज करना होगा अगले चक्र में जाने के लिए। और फुटबॉल एक अनिश्चितता का खेल, अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो कुछ फायदा होगी नहीं। और इस मैच में मिडिल रेफरी विजय बिरुवा जो कि सर्टिफाइड रेफरी झारखंड यानी JFS है, और उनके साथ साथ AR1 में मौजूद मिस्टर हरीश फूर्ति जी और AR2 असिस्टेंट रेफरी कार्य संभाले हुए हैं प्रकाश सोया फोर्थ ऑफिसियल में मिस्टर प्रेम प्रकाश से बिरुवा। बहुत जबरदस्त मैच चलता हुआ एक तरफ से टीम कोलंबस एलिसिया के पास गेंद है, धीरे धीरे सारे तो हाफ लाइन के आसपास से गेंद ले जाता हुआ और लगभग 2-3 खिलाड़ी को फेंकने के बाद गेंद को अपने कंट्रोल पर रख नहीं पाए। और अक्सर फुटबॉल में अगर देखा जाए गेंद को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, उससे बाद अपना कंट्रोल चाहिए, अपना बॉडी कंट्रोल चाहिए। और सोलह नंबर एफएम रेडियो रफ्तार बनाते हुए एक रेडियो मिर्ची के साथ 16 नंबर, लेकिन जब तक 16 नंबर गेंद को अपने कब्जे में रखते उनसे पहले सुंदर क्रिया से देखने को मिलता हुआ जैसे तीन मुख्य डिफेंडर के लिए, और मुख्य डिफेंडर है पुनः अपनी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी जैसे मदर्स के पास गेंद, जैसे मदर्स ने पुनः एक दिशा चेंज पास करने की चेष्टा, लेकिन रॉन्ग पास जैसे मैं 13 तक गेंद नहीं पहुंचा पाए एलिसिया के द्वारा, पुनः रॉन्ग पास। एक अनुभवी खिलाड़ी यहां पर खेलता है जैसे मैं 4 जैसे मैं 10 एक अपने जमाने के स्टार खिलाड़ी यहां पर खेलता हुआ लिटिल्डा, क्या कहना चाहेंगे दो जैसे मैं 10 और जैसे मैं 4 के बारे में? बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक गोल ना हो तो जितनी भी बेहतर खेल हो उसका रिजल्ट पेनल्टी शूटआउट से ही लेना पड़ेगा। लेकिन इस समय कोलंबस को मिला है जो कि युवा तुर्क नेता और साथ में समाज सेवी भी है सदर प्रखंड के, जो कि सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हैं, जो आज अपनी टीम के साथ फ्रेंड्स क्लब जल्दिया में उतरे हुए हैं और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए देखना पड़ेगा। और इस प्रतियोगिता के सह प्रायोजक भी हैं, स्वागत है कोलंबस हास्ता जी का, और देखना पड़ेगा इस समय कॉर्नर का मौका मिला है कोलंबस ग्रुप को, कोलंबस खुद गोल दागने के लिए बिल्कुल गोल पोस्ट के पास गए हुए हैं, देखना पड़ेगा अच्छी की के, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर की अच्छी सुधी, फिर से मौका मिला है 3 नंबर किक करना चाहते थे, रोकने की कोशिश यहाँ पर छीने झपट्टी छीनने में सफल हुए रेडियो एफएम रेडियो सेंटर फॉरवर्ड के लिए, और सेंटर फॉरवर्ड ने अपने नियंत्रण में ली 14 नंबर के लिए पीछे की तरफ पास किया और एक खिलाड़ी को चकमा देने में नाकाम, फिर से कोलंबस को मिलता हुआ 3 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ देखा पड़ेगा, मिडफील्डर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में ली और एक खिलाड़ी को चकमा देने से चुके और फिर से एफएम रेडियो के 4 नंबर 5 नंबर को मिलता हुआ 5 नंबर ने अपने नियंत्रण में ली गेंद को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश,
बिना झपट्टी के क्रम में फिर से मिलता हुआ, लेकिन इस बीच रेफरी महोदय की सीटी बजी और इशारा किया उन्होंने, एक फ्री किक का मौका बनता हुआ इस समय एफएम रेडियो की टीम को लगभग फोर्थ ऑफिस के आसपास है। फ्री किक का मौका इसे पास के रूप में इस्तेमाल किया था जरूर, लेकिन गलत पास हुई और इसका फायदा लेते हुए कोलंबस की टीम तेजी से आगे बढ़ता हुआ चकमा देने की भरपूर प्रयास, छोटे पास के इस्तेमाल, भाई छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास और यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन इस बार भी डिफेंडरों ने इस गेंद को रोकने में सफल, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। और सुंदर उछाल के साथ देते हुए और अच्छी कोपरिंग, छोटे पास का इस्तेमाल, सेंटर लाइन के आसपास से उछाला गेंद को लेफ्ट विंगर छह नंबर के लिए, लेकिन डिफेंडर मौजूद और डिफेंडर मोड़ नहीं पाया गेंद को। कहा जाता है फुटबॉल में कि गेंद को अगर आउट कर दे ये भी अच्छी डिफेंसिव है, एक बचाव है और इसी का उपयोग करते हुए और ट्राई होने के पश्चात गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कुछ करते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। और इस समय कोलंबस के मैन डिफेंडर ने लंबी उछाल के साथ सीधे कोलंबस के लिए गेंद को निकाला है, काफी सुंदर तरीके से सीने से रोक कर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, एक खिलाड़ी को चकमा दिया उन्होंने और सुंदर पास खेलने की कोशिश, लेफ्ट विंगर को देना चाहते थे, पीछे रह गए लेफ्ट विंगर, इसी का फायदा लेते हुए मैन डिफेंडर ने गेंद को कब्जे में लिया और छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पासों का खेल शैली के साथ एफएम रेडियो खेलते हुए, लेकिन इस बार फिर से गलत पास, देखना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों टीमें, कहना पड़ेगा यहाँ पर कुछ कुछ गलत पास के वजह से तालमेल में यहाँ पर कमी नजर आता हुआ और इस बार फिर से बेहतर तालमेल बनाना चाह रहा, लेकिन गेंद छुटी और बाहर खुद इस समय थ्रो इन करने के लिए और सुंदर थ्रो इन के बाद यहाँ पर विंगर के लिए गेंद को दी है डाली है, लेकिन और इसी क्रम में फिर से रेफरी महोदय की सीटी और इशारा एफएम रेडियो को मिलता हुआ मौका, देखना पड़ेगा। दोनों टीमें अब तक शून्य शून्य के मुकाबले पर खेलते हुए मैन डिफेंडर के लिए मिली है गेंद, इस बार फिर से गलत पास कर बैठे थे, लेकिन 14 नंबर ने इसे नियंत्रण किया, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन मैन डिफेंडर ने वापस की गेंद को लेफ्ट विंगर के पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को देते हुए लेफ्ट अपेंस को मिलता हुआ और यहां देने की कोशिश बढ़ाने का प्रयास, लेकिन इसी चीना चपट्टी क्रम में फिर से नियंत्रण किया, अच्छी क्रॉस डाली है यहां पर, देखना पड़ेगा, लेकिन डिफेंडर मौजूद कोलंबस छूटे दूर थे गेंद से और नौ नंबर ने फिर से उछालाया गेंद को, टप्पा खाने के बाद नियंत्रण किया गेंद को एफएम रेडियो के खिलाड़ी ने, फिर अपने ही खेमे पर पास खेलना चाहते थे, लेकिन छीनने की कोशिश हुई थी जरूर, लेकिन गोलकीपर के दस्तानों में और थ्रोइंग पास देते हुए राइट मिडफील्डर के लिए और खेलना चाहते थे और नियंत्रण करने के पश्चात समानांतर पास लेफ्ट मिडफील्डर को देते हुए छोटे छोटे पास का इस्तेमाल, कोलंबस गेंद तक जाना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण करने के बाद आगे बढ़ाने की कोशिश। अब तक मध्यांतर के पहले का ही खेल चलता हुआ, दोनों टीमें शून्य शून्य के मुकाबले पर खेलते हुए और आगे बढ़ाने की कोशिश, इंटरफेयर को मिली है, एफएम रेडियो क्या कुछ करते हैं, पास इस समय प्रहार की थी गेंद को, लेकिन दिशा नहीं तो दशा नहीं, गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। अगला मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे वो टीम है टीम 11 ऋषिपुर और जेआर इचापी, आप दोनों टीमों से निवेदन है कि बिल्कुल तैयार होकर हमारे साथ में मिला हुआ टीम दो महीना लिस्ट फुटबॉल टीम को ससंग ससंग जास्त्री मिला हुआ हमारा हुआ सामना पा रहे पता रुंगनो जासी लोतना इन टीम दो बयाना एफएम रेडियो सेकेंड हाफ रे अनुसार वकना सेकेंड हाफ रे पारिस के टीम की पेटे गोल गोपुर मानवा रणनीति जहां तक टीम है फायदा का हुजूत ने पारिस के टीम की इनसे प्रैक्टिस में जो पॉइंट के टीम ने स्प्रिंट रन बनवा फटाफट फुटबॉल वन डे अगर वो ले लिया फटाफट फुटबॉल 20 मिनट बीते रेस को रहता हुआ मैं तो ऐसे बने गोल कीपिंग ऐसे जबरदस्त गोल कीपर हो पाएगा ना टीम लिसिए फाते कोलंबिया से लिसिए जो कर आज से बहुत ही उसकी गजित ना चाहिए ना चिंदन टीम 13 साल तक फर्स्ट राउंड का इकॉन लिया सेकंड राउंड का आटा से चाहिए ना मैंने ले लिया साल बेटा ऐसे काम होता सुबह ही मुकर भाई की ना मैं तो कह चाहिए था चेस्ट आप में तो होते होते गुरु गुरु पास पास नंबर लगे मैं तो पास नंबर
बॉल इसी के बाद में से जैसे वो तीन तेरे बोल और जैसे वो तीन निमित्त इसी तार गए सुए सुए तो चेंजिंग पास बोल सुनाना सीधे अरे जुरी पे जुरी लगे बोल बड़ा अपना निमित्त और जब वो तो सुपर बनता है वो तो सुपर ही गोल की पिंग मिडल तीन तेरे सुए तो दूर आता बोल बंद टीम लगी रे इस उम्र में खतरा हो पाता संभावना चाहिए क्या मेरे खतरा निमित्त है क्लियर से कहा टीम रे एफएम रेडियो न तीसरी में दिन रे ऐसे ऊपर अनुमोल ले टाइक ना साबिर अनुमोल गोल तो टाइक ना गोल ने बाद ड्रो तो टाइक ना मतलब अनुमोल बस इनका टाइक ना वो कुना एफसी से माब्रू बीकेएस से तारा नो हुबरन टाइक ना एंड एफसी से गोल ते मरंग ग्राउंड के ताई टाइक ना मतलब नेन मैच ले गोल हुबरन चिक आगे पर इसके टीम किंग उन्होंने क्या नुम तेरे मतलब गोल गोपर बनवा और अब से जैसे वो तेरा ले गुटी पर सुटे तो कोसे से सुटिंग ओवर एंड टाइक ना ऐसे बने मौके बैगे 14 नंबर बोल 20 रन पास है मैं तो जान पा रहा कावे लास्ट समय रे जैसे नंबर 8 टीम कोलंबो सिलिसिया पार्टी क्लियर हो बा करना बोल सिलवा करना दर्शन तो बाहर यानी आसपास रे का तो बाहर ने उन्होंने नाम रोमांच से भी नाम है तो गोल बनवा जो सिरुन सभी ने लौटना मैं तो ना तक लास्ट फिनिशिंग का लौटना फिनिशिंग लाइन है तगड़ा तो बना 13 नंबर निमित्त में रोमिस शूटिंग को भाग रहा सीधा गोल पोस्ट आस पास 16 नंबर लगे रे मैं जो कोई अच्छी तांत की शूट तो ट्राई की ना तो बोल जाना सीधे गोल इंटर बाहर जान खतरा बनाना पड़े इसके टीम के नाउ बराबर रिकिंग और उनके ने सुए सुए ते मेरे को चक्कर टीम बाद ऐसे स्पीड तो मंच आस पास देते जैसे हम चार टीम है लिसिया और सुमारे पास से या गुड़ जैसे बाद तीन स्कोर लगे विंगर लगे पास नंबर तरफ बोल ना लिसिया फुटबॉल टीम तेरे के सुटिंग चेस्टा सुटिंग ऊपर आकर मैं तो गोलकीपर सीधे तीर आखिर ये कुएं चपार की सेप तब के सेप के बाद आखिर ये जुड़ी नील को तरह शूटिंग लगी चेस्टा ने मिला किन्हें मानो उनसे चितन चितमान की शूट तुतले इस जबरदस्त है स्किल जरिए रे बोल परम तन चाहिए किना मैं तो सुपर नहीं है बेखिल ते बोल आखिर ये कतर किया गुड़े जैसे मतीन शूटिंग इतना कोशिश नहीं थे इसलिए तार गए पूरी मिनी पास बाई तक कोशिश मैंने मौका बाई किया वाल बाई किया तार पास मतलब कोशिश की चाहिए किना मैंने कफिंग सक्सेस एंड चाहिए किना बोल सर लिसिया तार निमित्त हो जैसे मधु हेड किया था कि ये जुलेगी बड़ा था कोशिश से लिसिया पार थे मैंने तो कहा फायदा हो पाए ना पांच नंबर तारे का बोल पांच नंबर और अब इसे कि जुड़ी मेरे इन आते लिसिया बड़ी मिनी पास बाई तक कोशिश से सुप्पू इतना कोशिश क्यों तो सुप्पू के तक किया था कोशिश मैंने बोल जो ना लिसिया पारे बाबू तेरे बोल सर टच तो पाहा थ्रो ने बोकी दिए टीम जैसे मैं पांच से लंबा थ्रो लगी इसी पर इको पर सोलह नंबर पाया था मैंने उसके लिए बोल जुई ने सुबह सुबह ते मंच सफा पाते खतरनाक क्यों नहीं चला वक्त जैसे मैं शोला तार के बोल आड़ों में से चेंजिंग बाजे सुबह ने मुंबई आते बाइक ने टीम लगी जैसे बच्चे तार मौका बाइक ने तेरा नंबर की बोल की बाकी था और तेरा नंबर है सुबह क्रॉस हर दस्ता अंकु आंडो निमित्त हैंगे असिस्टेड रेफरी लास्ट डिसीजन है खुबस का आग्रह का असिस्टेड रेफरी नजर पूरे तरह से ट्राई की ना और भूला ले गोल फर्स्ट लाइन है ते बीते रे ट्राई कैन ट्राई की ना इधर में ते गोल है इस आराम से कहा करना और असिस्टेड रेफरी सुबह सुबह ते प्रकाश शो है किन्हीं ऐसे नौ तरह जैसे बोल फॉर्म से कालन चाहिए कि ना लाइन रे चाहिए न बाद जैसे होद लाइन रे बनाए तो फुटबॉल बाहर रे बिना चेस्ट के जरिए स्कोर देखने को मिलता है जैसे मैं 14 के द्वारा चेस्ट डाउन करने के बाद गेंद से गोलकीपर की दस्ताने पाए थे लेकिन कंट्रोल पर नहीं रख पाए अपने आप में कंट्रोल नहीं हो पाया और गेंद गोल से पार हो चुके थे खिलाड़ी तो थे लेकिन फुटबॉल आगे निकल चुका था यह मौका बन जाएगा टीम लिसिया के लिए जैसे मैं चार लेकिन पांच नंबर के पास गेंद एफएम रेडियो अपनी छाप छोड़ता हुआ कि क्या गेंद को रोक पाएंगे लेकिन जैसे नंबर 12 गेंद निकल गए तटे से बाहर मिडिल रेफरी का संकेत थ्रोइंग का मौका लेता हुआ टीम अभी भी लेकिन 14 नंबर के पास गेंद 14 नंबर धीरे धीरे साइड की चेष्टा करता हुआ लेकिन गेंद पुनः निकल गए गोलन से बाहर कॉर्नर की संकेत होता हुआ मिडिल रेफरी मिस्टर विजय बिरवा जी के द्वारा इसमें इसके मिडिल रेफरी कॉर्नर किस प्रकार से किक लिया जाएगा ये उन पर निर्भर करता है लिसिया के विरुद्ध में
लेता हूं। एक हेड आया है यहां पर और अंतिम समय में जैसे नंबर 4 एक अनुभवी खिलाड़ी के द्वारा सुंदर क्लियर से देखने को मिलता है। जैसे नंबर 3 के पास गेंद है लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट यहां पर, थोड़ा सा हड़बड़ाहट देखने को मिलता है टीम मलेशिया की ओर से। अंतिम समय में एफएम रेडियो अपना काम करता हुआ पूरा गेंद है भद्र से मुख्य पंडाल पे और थ्रो इन का मौका लेंगे टीम वो टीम है एफएम रेडियो। अगला मैच के लिए प्रस्तुत होकर चले आएंगे दो टीम। अब दो है ड्रीम इलेवन निश्चित पूर्व नाम जे आर इचापी, जे आर इचापी बनाम ड्रीम इलेवन निश्चित पूर्व आज का लास्ट मैच फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह से प्रस्तुत होकर चले आएंगे। अब दो टीम खेलने के लिए जितना ज्यादा हो सके चले आएंगे। ये मैच धीरे धीरे से समाप्ति की ओर जाता हुआ क्या अंतिम क्षण में यहाँ पर टीम कम बैक कर जाएगी लिसिया, बड़ी सवाल टीम के लिए बना हुआ है। एक तरह टीम कि अगर बात की जाए तो वो टीम मलेशिया के लिए बना हुआ है, अगर कमबैक कर जाती है टीम तो थोड़ा सा चैन की सांस लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर चैन की सांस ले पाएंगे नहीं, कोशिश ना करो ये तो गलत बात है दोस्त, कोशिश करना होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको यहाँ पर कोशिश करना होगा टीम में जैसे हमर दो पूरी मेहनत लेकिन अंतिम टच टीम है जैसे मच्छू के द्वारा आता हुआ और गोल किक का इशारा करता हुआ मिडिल रेफरी असिस्टेंट रेफरी लाजवाब रेफरी से भी तालमेल देखने को मिलता हुआ और इस वक्त गोल किक का मौका लेंगे टीम में एफएम रेडी। सुंदर प्लेसमेंट हल्की पैरों में गेंद को धकेलने के बाद अपने लंबा साथी के लिए घूमने की चेष्टा जिसमें 14 लेकिन गेंद अभी भी एलिसिया के पास आगे निकल कर डिफेंस लाइन के खिलाड़ी आगे जाता हुआ कुछ भी होकर कर्म कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर करना जरूरी है। जैसे बत्तीन क्या क्रॉस आएगा चीन के खिलाड़ी के द्वारा सुंदर मूवमेंट बना हुआ है। अंतिम समय 5 नंबर और 5 नंबर पुनः अपना साथी भुगता हुआ लेकिन दो दो खिलाड़ी की जो भेदने की प्रयास से पुनः गोल की इस मैच से काफी कुछ बयां करता हुआ है कि अधूरी प्रेम कहानी की तरह ये मैच बयां करता हुआ क्या मैच में अपना मुकाम तक की जो कोशिश है कोलंबस ग्रुप लिसिया क्या सफल हो पाएंगे क्या लाभ उठा पाएगी। 1-0 से पिछड़ता हुआ चीन और 1-0 से यह मौका लिसिया जैसे बनेगा चार लेकिन चार टकराई सीधा हाथ पर जो अपील हुई थी उस अपील को एक्सेप्ट करता हुआ मिडिल रेफरी विजय रेडियो ए अपनी एक स्कोर के साथ खेलता हुआ एफएम रेडियो के टीम और बातों बातों में टीम पूरी तरह से स्काई व्हाइट जर्सी पे तैनात हो चुका है कमेंट चांस के लिए।